दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम भारत भूगोल सीरीज के चौथे अध्याय पे बात करेंगे और यहाँ पे भारत भूगोल से संबंधित सामान्य परिचय आज खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तो यह 12 समुद्री मील अर्थात 12 नॉटिकल मील तक होता है। एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर अर्थात 1800 मीटर की दूरी है। आगे देखते हैं हम, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में है जो हिमालय का एक भाग है। आगे देखते हैं, पाक की खाड़ी अवस्थित है तो पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है अर्थात पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। जो भारतीय मानक समय है वह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं, दंडकारण अवस्थित है तो दंडकारण एक पठार है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं हम, कावेरी नदी का उद्गम है तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी है। आगे देखते हैं हम, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है तो भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6° 4' उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। आगे देखते हैं हम, पंजशीर घाटी, अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी अवस्थित है तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। जो पंजशीर घाटी है वह अफगानिस्तान में है। आगे है, भारत का वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित हुआ है तो यह चंबल घाटी है। यहाँ बहुत सारे अवनालिका अपरदन बिहड़ खड्ड पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, पहाड़ श्रेणियाँ अर्थात नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है तो ये जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी है। लक्षद्वीप स्थित है तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है भारत के पश्चिम में। आगे देखते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो यह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित है। आगे देखते हैं, अरावली और विंध्यन श्रेणियों के बीच स्थित है तो अरावली और विंध्यन के बीच मालवा का पठार स्थित है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है तो वह इलाहाबाद नगर के नैनी से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, केप कमोरियन का नाम से जाना जाता है तो केप कमोरियन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यमुना नदी का उद्गम है तो यमुना नदी का उद्गम बंदरपुच्छ है। आगे देखते हैं, वैसे यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो वह है ब्रह्मपुत्र पर माजुली द्वीप। हाल ही में वहां की सरकार द्वारा इसे एक जिला घोषित किया गया है। आगे देखते हैं हम, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु अर्थात पश्चिम में गुजरात है जो 68° 7' है। आगे देखते हैं, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप शामिल हैं। उत्पत्ति के दृश्य से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम है तो जो पटकोई बम पहाड़ी है वो सबसे नवीनतम पहाड़ी है भारत में। आगे हम देखते हैं, मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गांध से बंधे अपतृण और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं, इन द्वीपों को कहते हैं। तो जो ये द्वीपों की बात कर रहा है वह फुमाडिस द्वीप है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे प्रश्न है,
डक्कन पैसेज स्थित है। तो डक्कन पैसेज दक्षिणी लिटिल अंडमान में स्थित है। आप हमारे पुराने वीडियो में अंडमान निकोबार के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं, उसे देख के अंडमान निकोबार द्वीप को अच्छे से समझ सकते हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा बनाने वाले राज्य का नाम है। तो भारत कुल 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित राज्य, कुल मिला के 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यदि केवल राज्य की बात करें तो 8, कुल राज्यों की बात करें तो 9। भारत की सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला अर्थात रिफाइनरी है तो वह असम का डिगबोई क्षेत्र है, जहाँ पे तेल शोधन कार्य होता है। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। गुजरात तट से दूर जिस विवादस्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है सर क्रिक। प्रस्तावित समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम, जिस समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है तो वह है मन्नार की खाड़ी। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स पाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वह राज्य जो अपनी सुंदर पुलिनो अर्थात बीच के लिए प्रसिद्ध है तो वह है गोवा। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर जाकर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है तो ये वो कोचीन में, लेकिन वर्तमान समय में भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसमें कार्य प्रगति पे है। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है, यहीं पे धनुषकोड़ी है, जहाँ से तलैया मन्नार के बीच एदम ब्रिज है। आगे देखते हैं हम। सिख धर्म परंपरा का वह स्थान जो भारत में नहीं है तो वह है नाना साहिब पाकिस्तान, जिसे हाल ही में भारत से एक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के लिए जिन देशों के मध्य झगड़ा है वह है भारत और पाकिस्तान। कुडाईनाल स्थित है तो कुडाईनाल एक क्षेत्र है जो पालनी पर्वत या पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य तो भारत के 4 राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सॉरी एक मिनट भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, जो 72 किलोमीटर में है। 10 डिग्री चैनल स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार अर्थात अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। आगे देखते हैं। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। मन्नार की खाड़ी स्थित है तो यह तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। इसके लिए आप एटलस की सहायता लें। ऑपरेशन फ्लड संबंधित था तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित था। वह राज्य जिसका समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के जाइंट ओलिव रिडले टर्टल के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है तो वह है उड़ीसा। मड आइलैंड का निकटतम शहर है, तो मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। आगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कोंकण रेलवे गुजरती है तो कोंकण रेलवे सह्याद्री पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी दक्षिण के पश्चिमी भागों को जोड़ती है। आगे देखते हैं हम। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है, यह 3 पर्वत श्रेणियों में है। राजपिपला, महादेव और मैकाल। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है तो वह कंचनजंगा है,
जो सिक्किम राज्य में स्थित है। आप कंचनजंगा की जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कमेंट बॉक्स में बताइए, ऊंचाई मीटर में बताइएगा। वह पर्वत श्रेणी जो हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी है जो उत्तर में एक दीवार का काम करती है, जिसके कारण हमारे यहाँ उतना अधिक ठंड नहीं पड़ पाता। यदि हिमालय न होता तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत कड़क ठंडी पड़ती। आगे देखते हैं हम, भारत में विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क है जो जोड़ती है, तो सबसे ऊंची सड़क वो जम्मू कश्मीर में है जो लेह से मनाली को जोड़ती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं हम, गुवाहाटी की चित्रांतल पहाड़ी पर स्थित मंदिर है, तो वह नवग्रह मंदिर है जो गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं हम, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसार्ट स्थित है, तो यह सतपुड़ा श्रृंखला पर स्थित है। अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत के कुछ प्रतीक चिन्ह जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें चार रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और नीला। उसमें 24, उस चक्र में 24 तीली होते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। जो तिरंगा होता है उसकी चौड़ाई और लंबाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो उसका होता है 3:2। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। यदि वह चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो चौड़ाई उसका हो जाएगा 2:3। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान है, तो भारत का राष्ट्रगान जनगण जनगणमन अधिनायक जय है, यह 52 सेकेंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ग्रिगेरियन कैलेंडर है जो विश्व में भी मान्य है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर अर्थात मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीपेरा गार्टन है। आगे देखते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंदालेंसिस है। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे है भारत का राष्ट्रीय फल व आम है, इसका वैज्ञानिक नाम है मेनी गिफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह गंगा डॉल्फिन है, इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटा निष्टा गैंगेटिका है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। चलिए अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे भारत के भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, भारत के कुछ शहर हैं उनके कुछ भौगोलिक नाम हैं, तो हम चलिए एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ईश्वर का निवास स्थान, तो प्रयाग, प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान माना गया है, प्रयाग। दूसरे नंबर पे है उत्तर भारत का मैनचेस्टर अर्थात कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। मंदिरों का घाटों का नगर, मंदिरों का घाटों का नगर तो वाराणसी में है, जहाँ पे कुल 80 घाट हैं। वहाँ पे दशाश्वमेश्वर घाट अधिक प्रसिद्ध है, वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट है। नवाबों का शहर लखनऊ, मुस्कुराते रहिए आप लखनऊ में है, ये वहाँ का टैग लाइन है, हर जगह आपको ये बोर्ड मिलेगा। 5 नदियों की भूमि, तो वो पंजाब है, इसमें चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। आगे देखते हैं भारत का पीटर्सबर्ग, तो वो जमशेदपुर है। इस्पात नगरी जमशेदपुर, अर्थात यहाँ लोहे का काम अधिक होता है, टाटा स्टील आयरन कंपनी जमशेदपुर में है। मसालों का बगीचा केरल में है, केरल में अधिक मसाले होते हैं, वहाँ पे इलायची की खेती होती है पहाड़ों पर। क्वीन ऑफ डेक्कन, तो पूरे को डेक्कन कहा जाता है, आईपीएल में डेक्कन चार्जर एक टीम भी थी। सूती वस्त्र की राजधानी, तो उसकी राजधानी मुंबई के नाम से विख्यात है। आगे हम देखते हैं भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, 7 टापुओं का नगर मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम,
पहाड़ी की मल्लिका, नेतरहाट, भारत का डेट्रायट, पीथमपुर, गुलाबी नगर, जयपुर, पूर्व का पेरिस, जयपुर, भारत का पेरिस, जयपुर, बुनकरों का शहर, पानीपत, अंतरिक्ष का शहर, बेंगलुरु, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, भारत का उद्यान बेंगलुरु, डायमंड हार्बर कलकत्ता, महलों का शहर कोलकाता, भारत का वॉटसन अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का वेनिस कोची, अरब सागर की रानी कोची, साल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, त्योहारों का नगर मदुरै, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नई दिल्ली, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, मलय का देश कर्नाटक, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, काली नदी शारदा, धान की डलिया छत्तीसगढ़ से धान का कटोरा भी कहते हैं, मेघों का घर मेघालय, बगीचा का शहर कपूरथाला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूरंगपुर। तो ये पहाड़ों की नगरी ये जगह यहाँ पे आया हुआ है आपका। फिर ऊपर भी यहाँ पे देखिए पर्वतों की रानी है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी पर्वतों के बारे में कुछ दिया गया था। तो आप इसे अच्छे से देख के नोट कर लीजिए, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। पुंडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो यह तीन राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो प्राचीन भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर का था। आगे देखते हैं हम, भारत का वह राज्य जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की गोलकुंडा खान से ही कोहिनूर हीरा निकला था। आगे देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वो कर्नाटक बेंगलोर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान का कुछ भाग है, हरियाणा का कुछ भाग है और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या क्या है, तो वह 8 है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। एक एक केंद्रशासित राज्य भी है जो है दिल्ली। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में है, तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है। झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है, तो मध्य प्रदेश गुडवाना लैंड का भूभाग है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान घेरे है, तो वह लगभग 60% भूभाग को घेरे हुए है। आगे हम देखते हैं, असम कितने राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों से घिरा हुआ है, तो असम 7, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से घिरा हुआ है। भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है, तो भारत का औसतन समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में मुंबई का समुद्र तल भारत का 0 तल है। आगे देखते हैं, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए हम आगे चलते हैं अब, तो यहाँ पे भारत के राज्य व केंद्रशासित राज्यों की राजधानी, उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या और जनघनत्व के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए,
जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू, शीतकालीन में जम्मू और ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश लखनऊ। बिहार पटना। सिक्किम गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा अगरतला। मेघालय शिलांग। असम दिसपुर। पश्चिम बंगाल कोलकाता। झारखंड रांची। उड़ीसा भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ रायपुर। मध्य प्रदेश भोपाल। गुजरात गांधीनगर। दमन दीव दमन। दादरा नगर हवेली सिलवाशा। महाराष्ट्र मुंबई। आंध्र प्रदेश हैदराबाद। अमरावती की राजधानी प्रस्तावित है। कर्नाटक बेंगलुरु। गोवा पणजी। लक्षद्वीप कवरत्ती है, ये गलत दिया है, कौशक्ति कवरत्ती है। केरल तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु चेन्नई। पुडुचेरी पुडुचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो ये हो गए राज्य और उनकी राजधानी। आप केंद्र शासित राज्यों और भारत के सात पूर्वी राज्यों के राजधानी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल दिए गए हैं और जनसंख्या दी गई है और जनघन दिया गया है। तो हम यहाँ पे सभी के बारे में तो नहीं जान सकते, इसे आपको टेलीग्राम में PDF दे दिया गया है, वहाँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम बता देते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वह है राजस्थान का। तो राजस्थान का क्षेत्रफल ये है 342,239 वर्ग किलोमीटर। यदि सबसे कम राज्यों में अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो होगा सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? सिक्किम आपका है 11 नंबर पे। यहाँ पे सिक्किम, इसका कुल क्षेत्रफल 7,996 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, सिक्किम से भी छोटा एक राज्य है जिसको है गोवा, जिसके कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर हो गए। इसके बाद देखते हैं हम जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है बिहार। देखिए ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया। पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, पहले नंबर पे आपका UP है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, जो है 11,320। यह हो गया जनसंख्या घनत्व प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें राज्यों में तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है यह है बिहार में, जो है 1,106 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ का कुल जनसंख्या घनत्व तो केवल 17 है। ये हो गया जनसंख्या घनत्व संबंधी कुछ तत्व। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,21,05,00,000 कुछ है और इसका कुल जनसंख्या घनत्व 382 है। तो यह वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में पे मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिए। अक्सर एग्जाम में 1-2 प्रश्न जनसंख्या से पूछा जाता है। और यह वीडियो आज भारत के भौगोलिक परिचय का लास्ट वीडियो था। कल से हम भारत के भौतिक प्रदेशों के ऊपर अध्ययन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।